फिर से एक बार आप सबको इस नई सौगात की बधाई देता हूं। नई फिल्म पॉलिसी जो बनी है जम्मू कश्मीर की, पिछले दिनों में काफी फिल्में यहां शूट हो गई। फिल्म सिटी के लिए भी जमीन चिन्हित कर ली गई है। आने वाले कुछ महीनों में, 2 महीने के अंदर वो फिल्म सिटी लोगों के लगातार हम संपर्क में है। और ये जो नई फिल्म पॉलिसी है, स्थानीय नौजवानों के लिए उसमें विशेष प्रावधान हमने किए कि वो अगर कोई फिल्म बनाएंगे, छोटी फिल्म भी बनाएंगे, तो उन्हें हम काफ़ी इंसेंटिव देने जा रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके, लोग इससे जुड़ भी सकें। आज ये वक्त नहीं है कि बाकी बातें मैं करूं। इतना मैं जरूर कर सकता हूं कि ईमानदारी से कोशिश की जा रही है कि आवाम की जो जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का ठीक हो सके। और एक जो व्यवस्था ऐसी चली आ रही थी कि सुविधा हर चाहिए लेकिन भुगतान किसी चीज़ का नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि ये व्यवस्था लंबे समय तक कहीं भी चल नहीं सकती है। अगर हमें सुविधा चाहिए, सर्विसेज चाहिए, तो उसके लिए जो समर्थ लोग हैं उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। ये व्यवस्था देश में है कि जो गरीब लोग हैं, अक्षम लोग हैं, उन्हें सरकार सहायता देती है, लेकिन सक्षम लोग भी अगर सुविधाओं का भुगतान नहीं करेंगे तो बेहतर सुविधाएं नहीं दी जा सकती। और इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, संकेत मेरा आप सब समझ रहे होंगे, मैं अब ये वक्त नहीं कि मैं कोई इसमें लंबी तकरीर करूं, लेकिन एक बात का हम भरोसा आप सबको दे सकते हैं कि ईमानदारी से हम सब कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्थिक और सामाजिक दोनों विकास हो। ये तो बहुत खुशी है, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। और मैं ये तय कहूँगा कि जितनी मुझे खुशी है उतनी बाकी लोगों को भी खुशी है, और वो आके यहाँ पे सिनेमा देखें उसी लग्जरी में जिस लग्जरी में उनको देखना चाहिए, जिस लग्जरी के वो उनको होना चाहिए, जो वो डिज़र्व करते हैं। आज तो एक स्पेशल शो है अभी लाल सिंह चड्ढा का, मगर 30 तारीख से शुरू होगा विक्रम वेदास। मैं तो इसमें तय कहूँगा कि एक चीज़ है जो दिल से की जाती है, दिल से जब की जाती है तो उसके साथ इश्क होता है, फिर जो होगा सो होगा, वो देखे वो तो बर्दाश्त करना होता है, कोई ऐसी बात नहीं। कहाँ तो देखो, पिक्चर देखो, उसको सराहो, एंटरटेन करो अपने आप को, और पूरा फ़ायदा लो जो हमने सेटअप किया। चेंज हो गई है टेक्नोलॉजी, बहुत ही चेंज हो गई है। पहले वो एक डब्बे में आती थी फिल्म, फिर उसको वाइंड करना पड़ता था, अब आपके सैटेलाइट के थ्रू आती है, तो तभी इट्स पॉसिबल कि जो बम्बे में रिलीज जिस वक्त होगी उसी टाइम पर यहाँ पर भी होगी, बिकॉज ऑफ दैट। मुझे यकीन है, ज़रूर ज़रूर, क्योंकि एक एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट हमारी 30 साल से नहीं हुई, तो लोग चाहते हैं कि वो बाहर निकले, देखे पिक्चर, देखे एंटरटेन करें अपने आप को। तो क्या कुछ उम्मीद है आपको लोगों की रिस्पॉन्स? सर, एक चीज़ जब शुरू करते फिर उम्मीद थोड़ी रखते हैं उसमें, ये तो बनाई है इन द स्टेट इंटरेस्ट, इन द नेशनल इंटरेस्ट, आई एम श्योर इट विल बी गुड। देखिए, 32 साल पहले यहाँ थिएटर्स थे, यहाँ एक नॉर्मल सी थी,
पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे थिएटर होना एक नॉर्मल बात है, और आज हम 32 इयर्स के बाद इसको वापस शुरू कर रहे हैं, ऐतिहासिक बन रहा है। अफसोस है कि 32 साल से हमारे लोग इस चीज़ से दूर रहे। बहुत ज़रूरी है एक मेंटल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, कि एक ऐसी चीज़ बहुत ज़रूरी है कनेक्ट करना वहीं पे जहां सारी हॉलीवुड बॉलीवुड यहां पे शूटिंग करने आते थे, पर हमारे ही लोग उसको बड़े पर्दे पे अपने ही शहर में देखने से महरूम रहते थे। सो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही खूबसूरत है, एक बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग थी अंदर बैठ के पर्दे में, फ्रॉम शमी कपूर टाइम से रणबीर कपूर के टाइम तक यहाँ सलमान खान की फिल्म की शूटिंग देखना बड़े पर्दे पे। और हमारे ऑनरेबल एलजी साहब का पूरा थ्रस्ट है कि फिल्म सिटी बनाई जाए जिससे बाकी लोगों को भी रोज़गार मिले, और एक पॉलिसी, फिल्मिंग पॉलिसी भी उन्होंने डिक्लेयर की है जिससे यहाँ पे हमारे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं या बच्चे इस लाइन से जुड़ना चाहते हैं उनको फ़ायदा पहुँच पाएगा।